हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस कुरुजी एंड स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस टेस्ट। आज अपन अध्ययन करेंगे मुद्रा स्फीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, क्योंकि जो मुद्रा स्फीति है इससे जुड़े बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स से पेपर दे रहे हो, आपके पेपर में इकोनॉमिक्स है सिलेबस में, तो आपके जरूर जरूर मुद्रा स्फीति से प्रश्न बनेंगे। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा है। देखिए, पूर्ण रोजगार में क्या हो, बिंदु, और बिंदु के बाद क्या हो, कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा है। ये दी है मुद्रास्फीति की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन देने वाले अर्थशास्त्री थे किन्स, कि जो पूर्ण रोजगार के जो बिंदु के बाद जो कीमत में वृद्धि, कीमत के स्तर में जो वृद्धि होती है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऐसा कहा है किन्स ने। मुद्रास्फीति की स्थिति में होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति जब आती है तो वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कुछ भी चीज़ हो उसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आ जाएगी। जैसे कि अभी हो भी रहा है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है। जैसे कि अभी डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो अपना रुपया है वो बहुत निचले स्तर पर चला गया है, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि जो मुद्रा के कीमत है उसमें गिरावट आ जाएगी। और इस तरह से जो ये हो रहा है, मुद्रा के कीमत में जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है वो भी बढ़ जाता है, और इससे क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद आता है वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि कहलाती है। जो वस्तुओं के उत्पादन में, उत्पादन लागत में जो वृद्धि होती है, इसके कारण जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है वो कहलाती है लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है, जबकि जो मांग प्रेरित मुद्रा की स्थिति जो होती है उसकी जो स्थिति होती है वो होती है कि वस्तु एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि की जाए। इसके बाद आता है जब मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो, जिससे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी हो एवं जनता का मुद्रा से विश्वास डगमगाने लगा हो, तो उसे कहा जाता है दौड़ती मुद्रा स्फीति। जब क्या हो, मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था क्या हो, उससे अस्त व्यस्त होने लगी, और जो जनता का मुद्रा पर से विश्वास है वो डगमगाने लगे, तो उसे दौड़ती मुद्रा स्फीति के नाम से जाना जाता है। मुद्रा स्फीति का कारण है, अब मुद्रा स्फीति के जो कारण होते हैं, एक तो होता है सार्वजनिक सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाए तो इसलिए मुद्रास्फीति की जाती है, हीनार्थ प्रबंधन इसके वजह से भी मुद्रास्फीति हो जाती है, और उत्पादन स्तर में गिरावट इस वजह से भी मुद्रास्फीति हो सकती है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी को आर्थिक हानि होती है, जिसने ऋण लिया है उसको आर्थिक हानि होती है। मुद्रास्फीति का लोगों की आय पर प्रभाव होता है, तो इससे जो होता है वो होता है कि लोगों की जो वास्तविक आय है वो कम हो जाती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, तो इसके जो प्रभाव होते हैं, एक तो निर्यात कम हो जाता है, आयातों में वृद्धि हो जाती है, और भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, एक तो RBI द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर और बैंक दर में वृद्धि करके इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन दोनों कारणों से केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति में चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा, जो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति है इसमें चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो है किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार भावों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है अपना अगला प्रश्न। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत बहुत गिर जाती है तथा उत्पादन एवं रोजगार ठप होने लगता है तो वह स्थिति कहलाती है, तो उस स्थिति को अपन कहते हैं अस्फीति। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती हैं, महंगाई मतलब कम हो जाती है, और जो रोजगार है वो ठप होने लगता है, तो इस स्थिति को अस्फीति कहा जाता है।
जब बाजार में वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग अत्यधिक हो तो इससे उत्पन्न स्थिति कहलाती है, तो इससे उत्पन्न स्थिति कहलाती है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। इसके बाद आता है शीर्ष, जिसे हेडलाइन कहते हैं, मुद्रा स्फीति को मापा जाता है। शीर्ष मुद्रा स्फीति जो होती है उसको थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापा जाता है। निम्न में से किस दर में वृद्धि करने से मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है? तो वो दर होती है, एक तो नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि की जाए, बैंक दर एवं ब्याज दरों में वृद्धि की जाए, और संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि की जाए। इससे जो होता है मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। किसी देश में एक वस्तु जैसे प्याज के भाव अत्यधिक हो रहे हों तो उन्हें नियंत्रित करने हैं तो निम्न में से कौन सा उपाय कारगर होगा? अगर कोई भी वस्तु के भाव जो है बढ़ रहे हों नियंत्रित, और उनको क्या करना हो, नियंत्रित करना हो, तो उनके लिए जो जो उपाय होते हैं वो है, एक तो रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण पद्धति, सरकार द्वारा अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारित करना, और प्याज के आयात पर शुल्क को कम या शून्य करना एवं निर्यात पर शुल्क को बढ़ाना। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इस पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस निकाय का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जिस आयोग का गठन किया गया वो है नीति आयोग। आपको ध्यान रखना है ये बात, और वैसे आप सबको ध्यान होगा इसके बारे में। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 1 अप्रैल 2012 में। 12वीं योजना में अंतिम रूप से विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 8%। 12वीं योजना में सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो इसमें सर्वाधिक प्रावधान किया गया सामाजिक सेवाओं के लिए। कुल सार्वजनिक परिव्यय के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी पंचवर्षीय योजना है, तो वो योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आता है 76,79,807 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो ये जो रखा गया है 76,79,807 करोड़ रुपए का जो परिव्यय रखा गया है वो रखा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आता है देश की 12वीं योजना के क्षेत्रवार लक्ष्यों में से कौन सा गलत है? तो इनमें से जो गलत है वो है निर्माण 10.5%। देश में किस राज्य की 12वीं योजना का आकार सबसे अधिक है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य की। संपूर्ण देश की 12वीं योजना पिछली योजना से आकार में कितने प्रतिशत अधिक है? तो पिछली योजना से आकार में 108.59% अधिक है। इसके बाद है भारत में योजना निर्माण का कार्य किया जाता रहा है, तो ये भारतीय योजना आयोग द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? तो ये एक सलाहकारी निकाय था। भारत में निर्माण योजना के बाद भारत में योजना निर्माण के बाद अंतिम स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था होती है, तो वो होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद अपना अगला प्रश्न आता है, प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक अर्थशास्त्री ने लिखी है, और ये जो है इस पुस्तक को लिखने वाले हैं सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, सर एम विश्वेश्वरैया, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ध्यान रखना है आपको। अब प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक योजना के एक प्रारूप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। किस योजना काल में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था? तो वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिस समय भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। भारतीय योजनाओं के दीर्घकालीन लक्ष्यों को निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करता है? तो वो होता है विकास के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना करना। आधारभूत व भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। गार्गिल फॉर्मूले में सर्वाधिक भार किस पर दिया गया? तो ये दिया गया है जनसंख्या पर।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। भारत के आर्थिक नियोजन के संदर्भ में कहा जाता है, इंडिया हैज गुड प्लान्स बट नो प्लानिंग। इस कथन का निहित अर्थ है, तो आर्थिक नियोजन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इंडिया हैज गुड प्लान्स बट नो प्लानिंग, तो ये है कि नियोजन के क्रियान्वयन पक्ष की कमजोरी से इस कथन को कहा जाता है। भारतीय नियोजन का स्वरूप है तो ये है प्रेरणा मूलक। चतुर्थ योजना का मॉडल निम्न में से किसके मॉडल के आधार पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ए एस मान व अशोक रुद्र के मॉडल के आधार पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।